हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उसके कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कंडीशंस डिस्कस करेंगे एंड उसका रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वारिएंस किस तरह से ढूंढा जाता है फॉर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दैट विल बी डिस्कसिंग। ओके, चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। Now what is probability mass function? Probability mass function का दूसरा नाम, probability mass function का दूसरा नाम है discrete probability function। इसका दूसरा नाम है discrete probability function। Discrete word है बच्चों, discrete मतलब discrete variable का probability function, discrete variable का प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किसको बोलते हैं? जहां पर जो एक्स है विल टेक होल नंबर्स, मतलब विल टेक वैल्यूज फ्रॉम होल नंबर्स, का सेट में से वैल्यू लेगा। आर वी क्लियर? तो इसका कनेक्शन क्या है बच्चों? पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, उसका वेरिएबल है डिस्क्रीट वेरिएबल जो होल नंबर लेगा। ये की पॉइंट है, होल नंबर होगा और सिंगल नंबर वैल्यूज होंगे, आर वी क्लियर? सो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब एग्जाम में बच्चों कैसा क्वेश्चन आएगा? हाउ इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम? वो लोग बोलेंगे चेक वेदर फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बोलेंगे चेक करो कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं है। तो आपको क्या कंडीशंस याद रखने हैं? सो इसके जो कंडीशंस है, द कंडीशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, सबसे पहला पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग ये है कि the value can be 0 or it can be 0 or positive। मतलब value 0 हो सकता है, positive हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? not negative, मतलब cannot be negative। एकदम detail में लिख रहे हैं हम, cannot be negative। क्या हो सकता है? positive हो सकता है, 0 हो सकता है, क्या नहीं होगा? नेगेटिव नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। आर वी क्लियर? एंड ये बहुत लॉजिकल भी है, हमने पढ़ा हुआ है स्कूल में। क्या पढ़ा हुआ है स्कूल में? कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू वन। ये हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है। सो ये कनेक्टिंग है वो कंडीशन। अच्छा, व्हाट इज आवर कंडीशन नंबर टू? कंडीशन नंबर टू इज समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स शुड बी वन। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है उसका टोटल करोगे आप, द टोटल शुड बी वन, समेशन मतलब सम, मतलब टोटल, करो, वन है तो बोलो इट इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आर वी क्लियर? चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन का जो आपके स्क्रीन में नजर आएगा। इफ यू सी हियर वी आर टेकन एन एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। करेक्ट, अपना टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। सो बट द क्वेश्चन आई केप्ट इट ऑन द स्क्रीन। आप क्वेश्चन बराबर पढ़ लो। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर टू जो आपके बोर्ड में दिख रहा है, मेन्सा टेक्स्ट बुक का है, पेज नंबर 66, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस सेक्शन का है एंड क्वेश्चन नंबर टू है उसका। आर यू क्लियर? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रैंडम वेरिएबल एक्स हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एक्स दिया हुआ है, द वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड उसके प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज दिए हुए हैं, दैट इज के, 3K, 5K, 7K, 9K, 11K, 13K. And what does the question ask you to find out? The question says find k. सबसे पहला k का वैल्यू ढूंढना है आपको, and दूसरा probability of x greater than or equal to 2 and probability of x is greater than or equal to 0, less than or equal to 4, and दूसरा question obtain CDF of x. This question is on the board. Are we clear? So this is the question. You can read the. I hope you read the question. Okay. Now after you have read the question, let us see कि how do we solve this question. ये question को किस तरह से हम solve करने वाले. तो if you see on the screen, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि random variable x has the following probability distribution. अच्छा, random variable x है and following probability distribution. तो आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पर तो बोला नहीं it is a probability mass function. तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, ये तो बोला नहीं है. Have they said probability mass function है? नहीं बोला है, तो कैसे मालूम पड़ेगा. The secret is आप x का values देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये किस तरह के values हैं? Values of x are discrete. और मैंने क्या बोला, x के values discrete हैं and probability corresponding दिया हुआ है, तो it becomes a case of probability mass function. That is how you identify, because question may not say it is a probability mass function. Many times they say, but sometimes they don't say. And अगर आप ध्यान से देखोगे ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, मार्च 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है. तो you have to be careful in finding out कि what is asked in the question. Are we clear? तो let us go back to our question solving. So probability mass function clear है. किसका value ढूंढना है आपको? सर हमको k का value ढूंढना है, and k कहाँ पर है बच्चों? k यहाँ पर है, probability table के अंदर है, यहाँ पर है k. ये सारे probabilities हैं. k किसके अंदर है? probabilities के अंदर इंट्रोड्यूस किया है. और हमको क्या पता है कि ये probabilities का अगर मैं total करूँ, तो उसका टोटल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. तो मतलब हम अपना सॉल्यूशन किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, देख लो. विल राइट सॉल्यूशन गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, देयरफॉर समेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स is 1. What is the meaning of summation? I said sum. Sum मतलब total. किस चीज का total? Probability जो यहाँ पर है देखो k, 3k, 5k, 7k, इनका total करना है आपको. तो हम क्या लिखेंगे? k plus 3k plus 5k plus 7k plus 9k plus 11k plus 13k should be equal to what? 1. टोटल कर दो, क्या होगा? 4k plus 5 is 9, 9 plus 7 is 16, plus 9 is 25, plus 11 is 36, plus 13 is 49. So 49k is equal to 1. यहाँ से एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम. 13 plus 11 24, 24 plus 9 33, plus 7 40, 45, 48, 49. So k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/49. सर मिल गया k का वैल्यू 1/49. गुड. सो दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप. तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? सर k का वैल्यू लेके आओ. अब क्या ढूंढना है बच्चों? हमको क्या ढूंढना है? p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. तो चेक करते हैं हम किस तरह से करना है. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2? Either 2 or more than 2, 2 or more, 2 or more. तो ये more कहाँ तक जाएगा? 2 है और more है, कहाँ तक जाएगा? क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. 2 तो है ही, 3, 4, 5, 6 तो कहाँ तक जाएगा? 6 तक जाएगा. यहाँ पर देखो 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 तक जाएगा. तो हमने क्या करना है? p of x is equal to 2 plus p of x is equal to 3 plus p of x is equal to 4 plus P of x is equal to 5 plus P of x is equal to 6. तो ऐड कर दो यहाँ पर, क्या है 5k plus 7k plus 9k. तो हम ऐड कर देंगे 5k plus 7k plus 9k प्लस आगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर 11k plus 13k. सो प्लस 11k plus 13k. सो कितना हो जाएगा बच्चों देखो 5 plus 7 12 plus 9 21 plus 11 32 32 plus 13 is 45. So 45k हो जाएगा 45k हो गया 45k हो गया. बट हमारा आंसर k में नहीं होना चाहिए, नंबर में होना चाहिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 1/49. सो 45 इंटू 1/49 मतलब आपका p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का क्या वैल्यू है 45/49. आर वी क्लियर? दैट इज अ आंसर. और क्या ढूंढना है बच्चों? नेक्स्ट स्टेप देखो क्या ढूंढना है आपको. x लाइज बिटवीन 0 एंड 4. सो 0 से लेके 4 तक है हमारे पास. यस सर, यहाँ पर है 0 से लेके 4 तक. तो हमने कैसा लिखना है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सॉरी, इट इज ग्रेटर देन 0. लेट अस कीप इट, थोड़ा चेंज कर लेते हैं. ग्रेटर देन 0 लेस देन 4. सो ग्रेटर देन 0 लेस देन 4 करते हैं तो विल राइट इट हियर. ग्रेटर देन 0 लेस देन 4. सो ग्रेटर देन 0 लेस देन 4 मतलब ग्रेटर देन 0 है तो 0 नहीं आएगा. ग्रेटर देन 0 है तो 0 नहीं आएगा, तो 0 को छोड़ देना है. तो 0 को छोड़ दो, आप क्या क्या पिक करोगे 1 2 3 एंड लेस देन 4. तो 4 को भी नहीं पिक करना है तो आप क्या लिखोगे p of x is 1 plus p of x is 2 plus p of x is 3. तो 1 plus 2 plus 3. तो चेक करो 1 plus 2 plus 3 का क्या प्रोबेबिलिटी होगा 3k plus 5k plus 7k. 3k plus 5k plus 7k that is equal to 5 plus 3 is 8 plus 7 is 15k. एंड फिर k का वैल्यू डाल देंगे हम. k का वैल्यू डाल देंगे. लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ k. यहाँ पर हमने ऐड किया 1 2 3 का. k का वैल्यू क्या है 1/49. तो 15 इंटू 1/49. सो हमारा आंसर आ गया 15/49. दैट सॉल्व्स द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन. आ गया आंसर. अब क्या करना है बच्चों? CDF करना है. व्हाट इज CDF? CDF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. क्या है? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे आप लेस देन CF बनाते थे उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो आपको क्या करना है? टेबल बना देना है. x इज इक्वल टू एक्स, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स. CDF का सिंबॉलिक फॉर्म है कैपिटल F ऑफ x. तो हमारे x के वैल्यूज क्या थे बच्चों 0 1 2 3 4 5 6. या हमको याद है यहाँ पर 0 से लेके 6 तक. यहाँ पर k के वैल्यूज हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल. k है तो यहाँ पर देखो k है. k के जगह में क्या डालेंगे 1/49. व्हाट इज आवर वैल्यू ऑफ k? वैल्यू ऑफ k इज 1/49. सो आई विल रिप्लेस देम 1/49. अच्छा 1 का वैल्यू देख लो. 1 का 3k है तो 3/49. फिर क्या था बच्चों 5k है. 5 7 9 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5/49 7/49 एंड 9/49 11/49 एंड 13/49. आर वी क्लियर? अच्छा अभी यहाँ पर आपको एक के आपको लगेगा 7 और 49 में कट कर देता हूँ. कट नहीं करना है, डिनोमिनेटर सेम रखो. ऐड करने को इजी होगा. किस तरह से करना है? फर्स्ट विल रिमेन द सेम, फिर ऐड करना है प्लस. तो 1/49 को किसके साथ ऐड करना है? इसके साथ ऐड करना है. तो डिनोमिनेटर सेम है तो हो जाएगा 4/49. फिर इसके साथ ऐड करना है 4 + 5 9/49. इसके साथ ऐड करना है 9 + 7 16/49. इसके साथ ऐड करना है 25/49, 11 के साथ ऐड करना है 36/49, 13 के साथ ऐड करना है 49/49 विच इज 1. दैट इज योर CDF. इसको क्या बोलते हैं हम? CDF. Are we clear on that, students? So this is your table. This is your proper table of probability mass function. Are we clear? So probability mass function का table इस तरह से दिखेगा. आपको x मिलेगा, probability मिलेगा. ये दो column रहेगा तो बस हो गया. इधर CF हमने additional बनाया हुआ है because question has asked. Otherwise ये दो column is sufficient to represent a probability mass function. Are we clear? I hope the first concept is clear. So we have taken a board question and solved that off for this particular video. Are we clear? अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम. दूसरा हमको क्या करना है? दूसरी इसका related concept है, PMF का related concept है. क्या concept है? ये लोग बोलेंगे find out E(X). What is the meaning of E(X)? Expected value बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? Expected value, or it is called mathematical expectation. Mathematical expectation, ये उसका दूसरा नाम है. तो क्या कैसे करते हैं हम E(X)? That is summation PIXI. क्या है? summation PIXI. अच्छा, दूसरा क्या ढूंढने बोलते हैं? variance. Variance will be summation PIXI square minus summation PIXI the whole square. तो बच्चों क्या है expected का value? summation PIXI. variance का value है summation PIXI square minus summation PIXI the whole square. You may say sir यहाँ पर तो PIXI तो हमको दिखा ही नहीं टेबल में. तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो आपका x है that will become xi और ये जो probability है that becomes your PI. तो आप इसके बाजू में कॉलम बना दोगे. You will make a column called PIXI, PIXI square. PIXI and PIXI square बाजू में ही कर देना है तो आपको मिल जाएगा आपका variance वाला टेबल. सो मतलब जो x है आपका that is your xi and जो probability है that is your PI. additional column में PIXI and PIXI square. Are we clear? That is how you think on that. So बच्चों दो concept किया है हमने, expected value, variance. कभी कभी इसका जोड़ीदार आ जाता है, that is called standard deviation. तो आप variance ढूंढ लो. variance ढूंढ के क्या कर देना है? root कर देना है तो आपको आ जाएगा standard deviation. आपको मिल जाएगा standard deviation. Are we clear? Got the point? So that is your first concept. अच्छा, दूसरा concept हम बात कर रहे हैं, that is called as expected value, जिसका एक question रखा है मैंने यहाँ पर. if you see the screen, so screen में question है आपके पास यहाँ पर, जहाँ पर बहुत clearly दिया हुआ है. screen पे है आपका question जहाँ पर बहुत clearly दिया हुआ है, देख लो. x have the, that is they are saying, first question हम कर रहे हैं, they are saying let x have a, or you can say the question if you see here properly, the question says PMF of a, first question मैं कर रहा हूँ, that is PMF of a random variable x is as follows. अच्छा, what is it following? Your P of x is C/x³, where x is equal to 1, 2, 3, and your c is greater than 0, it is equal to 0, otherwise. अच्छा, क्या ढूंढना है आपको? आपको ढूंढना है expected value of x. expected value of x मतलब E(X) is equal to question mark. that is first question मैं solve कर रहा हूँ. तो यहाँ पर हम सोच लेते हैं. We'll come back to the question. क्या बोला है देखो, PMF of x. यहाँ पर बहुत clearly बोला है PMF है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये discrete है कि continuous है. बहुत clear है, PMF है of random variable x which is as follows. ये probability दिया हुआ है और x के कितने values हैं? 3 values हैं, 1, 2, 3. लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो value कैसे दिया है? C/x³. C/x³ दिया हुआ है and बोल रहा है c is greater than 0, it is equal to 0 otherwise. मतलब 1, 2, 3 में probability है लेकिन दूसरा कुछ भी होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है, जीरो। हमको क्या ढूंढने को बोला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला यू विल से सर इट इज समेशन पी आई एक्स आई। करेक्ट बच्चों, समेशन पी आई एक्स आई, लेकिन हमको पहला क्या चाहिए, पी आई चाहिए, एक्स आई चाहिए। तो एक्स के क्या वैल्यूज है वो तो हमको मालूम है। सर एक्स के क्या वैल्यूज है, 1 2 3। इसके क्या करेस्पॉन्डिंग ढूंढने पड़ेंगे, सर प्रोबेबिलिटी ढूंढना पड़ेगा हमको। लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए एक्स का वैल्यू यहाँ पर डालूंगा, एक्स इज इक्वल टू 1 डालूंगा, फिर 2 डालूंगा, फिर 3 डालूंगा यहाँ पर। तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, आंसर्स विल कम इन टर्म्स ऑफ सी, आंसर विल कम इन टर्म्स ऑफ सी, बट वी वांटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो पहला हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, सॉल्यूशन में सबसे पहला फाइंड वैल्यू ऑफ सी। तो आपको सी का वैल्यू लेके आना पड़ेगा। अच्छा कैसे लेके आएंगे सर हम सी का वैल्यू, बहुत सिंपल है, आसान है कि ये सी का वैल्यू लेके आना है। तो हमको पता है वो पीएमएफ है, तो प्रोबेबिलिटी जो भी आएगा उनके टोटल क्या होते हैं, सर 1 होते हैं, अभी हमने बात किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब सी अपॉन एक्स क्यूब है, सी अपॉन 1 क्यूब विल बी सी। फिर हमने क्या डालना है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है ना 2 और 3, एक्स का वैल्यू 1 हो गया तो 2 और 3 करना है। सो पी ऑफ एक्स इज 2, सो 2 अपॉन दैट सी अपॉन 2 क्यूब विच इज सी अपॉन 8, यहाँ पर तो 1 आया है। फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो हो जाएगा सी अपॉन 3 क्यूब विच इज इक्वल टू सी अपॉन 27। एंड इनके प्रोबेबिलिटी के टोटल क्या है, हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, सिंस इट इज सिंस द गिवन फंक्शन, सिंस द गिवन फंक्शन इज पीएमएफ, आपका समेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमको क्या करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, c अपॉन 1 प्लस c अपॉन 8, यहाँ पर है देखो c अपॉन 1 c अपॉन 8 c अपॉन 27 इक्वल टू 1। क्या करना पड़ेगा, पहला एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज 27 इंटू 8 कर दो, 56 5 16 दैट इज 216 हो जाएगा। तो हमने लिखना है 216, एलसीएम होगा, यहाँ पर क्या बनना पड़ा है इंटू 216 करेंगे ऊपर नीचे, तो 216c, इधर तो 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27c, इधर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8c इज इक्वल टू 1। अभी ऐड कर देंगे यहाँ पर 216 प्लस 27 प्लस 8, दिस बिकम्स 35, 35 को 216 के साथ ऐड कर देंगे, प्लस 35 करेंगे तो हो जाएगा प्लस 35 विल मेक इट व्हाट 251, सो 251 सी अपॉन 216 इज इक्वल टू 1, 251 अपॉन 216 इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, 216 अपॉन 251। तो आपको किसका वैल्यू मिल गया बच्चों, आपको मिल गया सी का वैल्यू। किसका वैल्यू मिल गया, सी का वैल्यू मिल गया। अब हम बना देते हैं प्रोबेबिलिटी का टेबल, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन टेबल। क्या क्या कॉलम होगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू एक्स विच विल एक्ट एज माई एक्स आई, देन p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स विच विल एक्ट एज माई पी आई, एंड देन इधर तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढना है तो पी आई एक्स आई करना है आपको। क्या करना है, पी आई एक्स आई करना है आपको। तो x के क्या वैल्यूज होंगे, x के वैल्यूज पता है हमको 0 1 2 3, तो x का वैल्यू हम लिख देंगे 0 नहीं है, वी हैव ओनली 1 2 3, 1 2 3, तो विल राइट इट हियर। x का वैल्यू 1 2 3, सो x का वैल्यू आ गया 1 2 3। अब यहाँ पर क्या है, व्हाट इज p ऑफ x1, c अपॉन एक्स क्यूब, तो c अपॉन एक्स क्यूब है, तो व्हाट इज माय c, 216 अपॉन 251, 216 अपॉन 251 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब इज 1 क्यूब विच इज 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 216 अपॉन 251। आर वी क्लियर। अच्छा दूसरा, नेक्स्ट में चले जाते हैं हम, देन द नेक्स्ट वन इज अगेन c अपॉन एक्स क्यूब ही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दैट इज 216 अपॉन 251 इंटू 1 अपॉन 2 क्यूब विच इज इक्वल टू 8। तो हम यहाँ पर कट कर देंगे। सो 216 अपॉन 251 इंटू 1 अपॉन 8। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। कैन बी डिवाइडेड बाय 8? यस सर, वी कैन डिवाइड 8 ones are and this will become 8 twos are 16, 8 sevens are, so 27 upon 251। अच्छा, फिर x का वैल्यू 3 है तो c अपॉन एक्स क्यूब ही है, तो c का वैल्यू तो 251 अपॉन 216 अपॉन 251 है, 216 अपॉन 251 है इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब इज 27। कैन वी डिवाइड बाई 27? यस सर, अभी इधर रिवर्स हुआ था यहाँ पर, तो वही होगा 1s are 8s are डायरेक्टली। तो 8 अपॉन 251, 8 अपॉन 251। तो हैव यू गॉट द वैल्यूज? तो कॉलम को जरा यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम लिख देंगे PIXI। तो लेट अस डू PIXI। व्हाट इज PIXI? प्रोबेबिलिटी, दिस इज आवर PI, this is our XI, so 216 is 216 upon 251 is probability into 1, that is 216 upon 251. अच्छा, next case में what is my PI? This is my PI, this is my X, तो हो जाएगा 54 upon 251. Third case में ये probability है, ये आपका X है, तो 24 upon 251. तो कर देंगे हम total. We'll do the total here. That is called summation PIXI. Are we clear? तो total करते हैं यहाँ पर बच्चों। तो let us do the total. 216 है, denominator तो same है सब जगह पर, तो 216 plus 54 will make it 270. 270 plus 24 is 294. So 294 upon 251. मतलब आपका जो expected value है, जिसका नाम है E(X), जिसका फॉर्मूला है समेशन PIXI विल बी 294 अपॉन 251, 294 अपॉन 251। आई होप द कैलकुलेशंस आर क्लियर। थोड़ा सा कैलकुलेशंस यहाँ पर लेंदी है, बट दैट इज हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड। जैसा मैंने बोला काफ़ी बार, पेपर 2 में कैलकुलेशंस आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए तो ये पॉसिबल होगा। आर वी क्लियर ऑन दैट? So that is how you solve this particular question which is on the board. Getting my point? Let us try one more example which is a word problem. Word problem हम read कर लेते हैं, जो question number 2 है हमारा। Word problem क्या बोला है यहाँ पर? Calculate, अगर आप read करोगे, calculate the expected value and variance of x. And what does x denote for? They are saying if x denotes the number obtained on uppermost face when a fair die is thrown. So they are saying find expected value and variance when x denotes the number obtained on uppermost face when a fair die is thrown. Fair die throw करना है, तो die throw करोगे तो ऊपर क्या क्या values आ सकते हैं? सर बहुत simple है, the values are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So simple, तो सीधा हम लिख देंगे यहाँ पर solution. We'll write, make a probability, mass function, table. तो यहाँ पर हम कर देंगे नंबर ऑफ, दैट इज यू कैन से नंबर ऑन अपर मोस्ट फेस ऑफ अ डाई। सो व्हाट आर द पॉसिबल नंबर दैट विल एक्ट एज योर एक्स, तो क्या क्या वैल्यूज होंगे बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that are the possible values. अभी आपने देखा होगा कि ये जो स्कूल में हम सीखते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 होता है। सैम्पल सेट में कितने यूनिट्स हैं? 6 यूनिट्स हैं। एंड ये हर एक का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हर एक का पॉसिबिलिटी एक एक बार ही है, 1 out of 6. सो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वन आउट ऑफ सिक्स, तो मतलब क्या हो जाएगा 1/6 1/6 1/6 1/6 फॉर ईच ऑफ देम, 1/6 फॉर ईच ऑफ देम, and this will act as my PI, this will act as my XI. and आपको याद है स्कूल में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, तो 1 आने का चांस कितना बार है, एक बार है, और टोटल कितना है 6, तो 1/6. that's how you think. तो ये हो गया आपका पीआई. अच्छा, हमको तो ये प्रॉब्लम में क्या चाहिए सर, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी चाहिए और हमको वेराइंस भी चाहिए, दोनों चाहिए हमको. तो हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, पीआई एक्सआई जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, एंड पीआई एक्सआई स्क्वायर फॉर वेराइंस. अगर आपको याद है वेराइंस का फॉर्मूला था हमारे पास यहाँ पर, तो क्या है फॉर्मूला, समेशन पीआई एक्सआई स्क्वायर देन समेशन पीआई एक्सआई. तो अब एक एक करते हैं हम, लेट्स मूव ऑन टू दिस. तो अभी सबसे पहला PIXI, तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/6, 2 से मल्टीप्लाई करना है 2/6, 3 से मल्टीप्लाई करना है 3/6, 4 से मल्टीप्लाई करना है 4/6, 5 से मल्टीप्लाई करना है 5/6, 6 से मल्टीप्लाई करना है 6/6, एंड टोटल ऑफ समेशन PIXI will be, आप काउंट कर लो 1 + 2 3, 3 + 3 6, +4 10, +5 15, +6 21, so 21/6. अच्छा, सो हो गया PIXI. अब क्या ढूंढना है सर, PIXI स्क्वायर. तो बहुत लोगों को लगा इसका स्क्वायर कर देता हूँ, रॉन्ग है, वो हो जाएगा PIXI द होल स्क्वायर. तो ये कैसे करना है, ये हमारा दिमाग में आएगा, PIXI जो है उसका और एक बार XI से मल्टीप्लाई कराओ, PIXI जो है उसका और एक बार XI से मल्टीप्लाई कराओ, मतलब यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है आपको, तो हो जाएगा 1/6, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो 4/6, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है 9/6, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है 16/6, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है 25/6, यहाँ से यहाँ करना है 36/6. आर वी क्लियर ऑन दैट? सो दैट इज हाउ यू डू द PIXI स्क्वायर. सो PIXI स्क्वायर का भी टोटल करना पड़ेगा हमको, समेशन PIXI स्क्वायर. सो यहाँ पर देख लो, हाउ डू वी डू द टोटल, 1 + 4 is 5, + 9 is 14, + 16 is 30, 30 and 55, 55 + 36, 55 + 36 हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 91/6. फिर से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, 36 प्लस 25 61, 61 प्लस 16 इज 77, 77 प्लस 9 इज 86, 86 प्लस 4 इज 90, 90 प्लस 1 इज 91. तो परफेक्ट टोटल है हमारा. अब हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे बच्चों, एक्सपेक्टेड वैल्यू is equal to E(X), which is equal to summation PIXI, which is equal to 21/6, which can also be, you can cancel them. 3 7s are, 3 2s are, so 7/2, which you can write it as 3.5. So that is your expected value. दूसरा क्या करना है, variance करना है. Formula है summation PIXI square minus summation PIXI the होल स्क्वायर. तो आप यहाँ पर कर दो, PIXI का वैल्यू क्या है 91/6, सो 91/6 माइनस PIXI द होल स्क्वायर, यहाँ पर है वैल्यू, दैट इज 21/6, सो 21/6 द होल स्क्वायर. PIXI का यहाँ पर था हमारे पास, करेक्ट. सो कैंसिल कर देते हैं, दैट इज 3 7s आर, 3 2s आर, तो क्या होगा 91/6 माइनस 49/4. LCM कर लेते हैं, सो वी कैन से 12 इज LCM, सो इंटू टू करेंगे तो हो जाएगा 182 माइनस, इधर इंटू 3 करना पड़ेगा हमको, तो 12 हो जाएगा 27 to एंड दैट इज 147. सो अब ये हो जाएगा, दिस विल बिकम, बाकी रहेगा 152, that is 5, and here 35/12, that is your variance. 35 by 12 is your variance. You can keep it in the fraction also, no problem. That is how you solve a word problem. So we are given a coverage of numerical problem, word problem, for variance, for expected value in this video. Are we clear? Okay. जो भी अगर कुछ डाउट है, numbers आप देख रहे हो नीचे ticker पे है, numbers है, WhatsApp numbers है, you can call us, post your feedback, and if you have some doubts, you can contact us. Okay? Fine. Thank you. Bye. See you all of you in the next particular video. Thank you very much. God bless you.